नमस्कार दोस्तों, फ्लूट मंत्रा फॉर बिगिनर्स लेसन 6 में आज आपका स्वागत है। आज का जो ट्यूटोरियल है वो होगा हिंदी नोटेशंस वर्सेस इंग्लिश नोटेशंस। हिंदी में कैसे डिनोट होता है और इंग्लिश में उसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये ट्यूटोरियल बहुत सिंपल है बट उतना ही जरूरी है, एंड फॉर ऑल ऑल म्यूजिक लवर्स। इट इज़ नॉट ओनली फॉर दी फ्लूट, गिटार वाले को भी पता होना चाहिए, वोकल म्यूजिक वाले को भी पता होना चाहिए, और जो कैसो शुरू कर रहे हैं हारमोनियम उनको भी ये मालूम होना चाहिए। तो फ्लूट लवर्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ टू रीजंस। नंबर वन, फ्लूट का जो आपने देखा होगा कि फ्लूट को जो हम कहते हैं कि ये कौन से स्किल की फ्लूट है, तो चाहे मैं इसमें हिंदी में सरगम बजाऊं लेकिन इसका नाम जो है सी शार्प से ही जाना जाता है। शॉप में आप जाओगे खरीदने के लिए तो आपको यही पूछना पड़ेगा कि डी स्केल का फ्लूट दीजिएगा, वहाँ पे रे का फ्लूट बोलोगे तो आधों को समझ में नहीं आएगा। तो यू शुड बी नोइंग दैट उसको हिंदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सेकेंडली, आप नोटेशंस देखते हो इंटरनेट पे, कुछ सॉन्ग्स के वो नोटेशंस इंग्लिश में होते हैं, तो यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट। आपको उसको कन्वर्जन आना चाहिए, उसको हिंदी में किस तरह से उसको कन्वर्ट करना है, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एंड प्ले। ठीक है दोस्तों, शुद्ध स्वरों की अगर बात करें तो स्क्रीन में देखिए, सा रे ग म प ध नी, स्ट्रेट अवे सी को सा को सी, रे को डी, फिर ग को ई, म को एफ, प को जी, ध को ए एंड नी को बी। अब इसको इसमें भी एक कोड बना लीजिए सो दैट कभी आपको नोटेशन करने होते हैं स्पीड से तो आपको ठक दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए। तो सी डी ई तो आपको वैसे याद रहता है, सा रे ग सी डी ई। एफ होता है म, तो एफ एम, एफ एम रेडियो वाला ध्यान में रखिए, एफ एम, एफ होगा आपका एम म, ठीक है। एंड जी होगा प, जो हमारा हिंदी का स्वर प होता है उसको आप इंग्लिश में जी बोलते हो, तो उसको गप से याद रखिए, एफ एम गप, गप मारना, ठीक है। एंड ए इज ध, उसको आधा से याद रखिए, जैसे ध आता है दिमाग में आधा आ जाना चाहिए, या ए ए कहीं सुनते हो तो उसको आधा। और बी का मतलब नी, बनी, एफ एम जी पी ग प आधा और बनी, ये याद रखिए। आपको जल्दी जल्दी आपको नोटेशन कहीं पे उतारने होंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। अब मैं कोमल स्वर और शार्प शार्प फ्लैट जो इंग्लिश में बोलते हैं उसका बताता हूँ एक एक करके। सा और रे, सी और डी के बीच में होता है हिंदी में रे कोमल, तो इसमें क्या होगा उसको इंग्लिश में सी शार्प भी बोलते हैं क्योंकि वो सी से ऊपर है और डी से नीचे है, तो डी फ्लैट। ऐसे ही रे और गौ के बीच में डी और ई, इनके बीच में आ गया आपका ई फ्लैट या डी शार्प। डी से ऊपर है तो डी शार्प हो गया, ई से नीचे है तो ई फ्लैट। फिर ग और म विल बी ई एंड एफ, इनके बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आता है म तीव्र, म तीव्र को हम बोलेंगे इंग्लिश में एफ शार्प, ठीक है। नव प और ध, इंग्लिश में जी एंड ए, इनके बीच में आता है प ध के बीच में आता है ध कोमल, तो यहाँ पर हो जाएगा जी से ऊपर जा रहे हो जी शार्प या फिर ए फ्लैट। अब लास्ट जो पेयर है वो है ध और नी के बीच वाला, तो ध इज ए, नी है बी, बनी आधा, ठीक है। ध से ऊपर क्या होता है, ध शार्प हिंदी में हम नहीं कहते लेकिन इंग्लिश में ए शार्प उसको बोलते हैं, और क्योंकि वो नी से नीचे है बी से नीचे तो वो हो गया बी फ्लैट। इधर यू कॉल इट ए शार्प और बी फ्लैट, दैट इज ऑल अबाउट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द नोटेशंस, आप इनको अच्छी तरह से समझिए और इनको प्रैक्टिस में लाइए। थैंक यू सो मच।